आज मैं आप लोगों को फाउंडेंट केक की रेसिपी शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ में। तो मैंने केक बड़ा सिंपल सा रखा हुआ है, बिकॉज मुझे बताना है कि फाउंडेंट से हम कैसे केक को डेकोरेट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने 1.5 कप ऑल पर्पस फ्लावर लिया हुआ है, 2 अंडे जाएंगे इसके अंदर, और ये जो मैंने आप लोगों को इसकी रेसिपी मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है, फाउंडेंट है। अगर जो लोग मुझे फॉलो करते हैं देखते, उन लोगों को पता होगा कि मैंने पहले अपलोड किया है। जो उन लोगों को नहीं पता, उन लोगों के लिए मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक छोड़ दूंगी। यहाँ पर है 1 कप कैस्टर्ड शुगर लिया हुआ है मैंने, और यहाँ पर मैंने 1/2 कप ऑयल लिया हुआ है, और यहाँ पर मैंने 1/3 हॉट वाटर लिया हुआ है, यहाँ पर 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर है, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा है, और यहाँ पर मैंने मिक्स फ्रूट एसेंस लिया हुआ है। मिक्स फ्रूट एसेंस मिल जाता है मार्केट में, आसानी से अवेलेबल है। और यहाँ पर मैंने येलो कलर लिया हुआ है, पिंच ऑफ येलो कलर ही यूज करूंगी मैं। तो यहाँ पे देखिए, मैंने बाउल में 2 एग ले लिए हैं, और इसको मैं बीट कर लूंगी अंटिल इट्स गेट फ्लफी। तो मैं ये वीडियो, तो ये देखिए अभी ये फ्लफी हो गया है। नाउ आई एम गोइंग टू एड कैस्टर्ड शुगर, और इसको भी मैं, इसमें 1 कप लिया है मैंने, और इसको भी मैं फ्लफी होने तक अच्छे से इसको मैं मिक्स कर लूंगी, बीट कर लूंगी। तो यहाँ पे देखिए, ये शुगर भी अच्छे से फ्लफी हो गया है, शुगर और मैंने अंडे को फ्लफ एकदम बीट कर लिया, फ्लफी कर लिया। अब मैं इसमें डालूंगी ऑयल, और इसको भी मैं अच्छे से बीट कर लूंगी। तो अब ये देखिए मैं क्या करूंगी, इसके अंदर डाल दूंगी मैं ये गर्म पानी, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, और ये मैंने जो येलो कलर लिया था वो, और एसेंस डाल दूंगी मैं इसका, मिक्स फ्रूट का, और इसके साथ में ही मैं 1/2 इसके अंदर अभी फ्लावर ऐड करूंगी, और इसको मिक्स कर लूंगी। नाउ इसमें मैं बाकी का भी फ्लावर ऐड करूंगी, और इसको भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूंगी इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसको अच्छे से, केक के बैटर को अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर केक टीन ले लिया है राउंड शेप में, और मैंने इसके अंदर अभी इसको मैंने बटर और फ्लावर से इसको कोट कर लिया, अच्छे से डस्ट कर लिया इसके अंदर। और अब मैं इसके अंदर ये सारा केक का बैटर डाल दूंगी, और मैं इसको 180 डिग्री पे रखूंगी 30-35 मिनट के लिए ओवन में, अगर या फिर तब तक मैं रखूंगी कि जब तक कि हम टूथपिक अंदर इंसर्ट करें और हमारी टूथपिक क्लीन नहीं निकल के आती, तब तक मैं इसे कुक कर लूँ। फिर देखिए, केक हमारा बनके रेडी हो गया है, और इसके अंदर मैं आपको दिखा दूँ, देखिए मुझे 40 मिनट लगा है इसको पकाने के लिए। ये देखिए टूथपिक एकदम क्लीन आ रही है, दैट मीन्स ये अच्छे से कुक हो गया है। तो चलिए इसे मैं अभी थोड़ा ठंडा होने देती हूँ, एंड देन फिर मैं इसको डेकोरेट करती हूँ, एंड देन फिर आपको मैं बताती हूँ। तो अभी देखिए, केक अच्छे से बेक हो गया था, मैंने बताया था, तो मैंने उसको 2 लेयर में कट कर लिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले यहाँ पर देखिए मैंने व्हिपिंग क्रीम लिया है, मैंने क्रीम को व्हिप कर लिया था, बस थोड़ा सा मैं इसमें लगाऊंगी, और मैं इस तरीके से मैं इसके अंदर रख दूंगी। और ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो आप कर लीजिए, वरना आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मैं जस्ट फॉर टेस्ट के लिए कर रही हूँ। यहाँ पर मैं शुगर सिरप थोड़ा सा इसके अंदर डाल दूंगी। तो अच्छा, शुगर सिरप हमें कैसे डालना होता है, हमें हमेशा पहले पीछे से स्टार्ट करके देन अंदर से। थोड़ी सी वीडियो मेरी बड़ी होगी ये वाली, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि आप जो भी घर में लोग हैं जो नहीं बना सकते, ये केक देखना बनके कितना अच्छे से रेडी हो जाएगा, और बहुत ही इजीली बन जाएगा। तो ये देखिए, मैं इस तरीके से इसको कर रही हूँ, और पूरा मतलब शुगर सिरप मैं डाल दूँगी इसके अंदर। अब मैं इसको शुगर सिरप डाल के थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा कुछ सेकंड के लिए। अब मैंने ये क्रीम को ऑलरेडी व्हिप कर लिया है, स्प्रेड कर दूंगी, और मैं ये इसलिए कर रही हूँ ताकि इसका थोड़ा सा टेस्ट अच्छा से बढ़ जाए। सो दैट इज़ व्हाई आई एम यूजिंग व्हिप क्रीम। अगर आप चाहो तो यूज़ कीजिए, नहीं चाहो तो मत यूज़ कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए मैंने इधर कर लिया है स्प्रेड। अब मैं रख दूंगी इसका दूसरा लेयर इसके ऊपर, और इसके ऊपर भी मैं शुगर सिरप ऐड कर दूंगी। शुगर सिरप क्या है, सिंपल सा वाटर और शुगर है बस, और कुछ भी नहीं डाला है मैंने इसके अंदर। आप चाहो तो वनीला एसेंस चाहिए तो आप डाल सकते हो। और हाँ, मैंने केक बनाते टाइम मैंने इसके अंदर डाला हुआ है फ्रूट एसेंस, अगर आप चाहते हो तो आप इसके अंदर
फ्रूट्स भी डाल सकते हो, बट मेरे को सिंपल बनाना था बिकॉज मैं फाउंडन का बना रही थी, सो दैट इज़ वाई मैं सिंपल बनाया है मैंने। तो आप मैंने एसेंस यूज़ किया है, तो आप एक काम कीजिए, अगर आपको अगर बनाना है तो आप मिक्स फ्रूट भी इसके अंदर डाल सकते हो। तो ये देखिए, ये मैंने अच्छे से हो गया शुगर सिरप, अभी थोड़ा सा वेट करेंगे एंड देन फिर मैं इसको कोट कर लूँगी टोटली अच्छे से व्हिप क्रीम से। इस तरीके से मैं इसको कोट कर लेती हूँ एंड देन फिर मैं आपको बताती हूँ। तो अभी देखिए मैंने व्हिप क्रीम से इसको व्हिप कर इसको कोट कर लिया। अब मैं क्या करूँगी, इसको रख दूँगी फ्रीज में केक को। तो अभी यहाँ पे देखिए, ये मैंने आप लोगों को पहले से बता दिया ना फाउंडन की रेसिपी कैसे बनाते हैं। तो इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, इसमें सिर्फ मैंने कलर ऐड किया हुआ है, इसमें ग्रीन ऐड किया हुआ है और इसके अंदर मैंने रेड किया हुआ है। और ये देखिए मैंने फाउंडन से ही मैंने रोज़ बना लिए हैं, और ये मैंने छोटे बनाए हैं कुछ, और ये मैंने बड़े बनाए हैं। और मैं लीफ के लिए मैंने ये ग्रीन कलर का मैं फाउंडन यूज़ कर रही हूँ, सेम यही है लेकिन इसके अंदर मैंने कलर ऐड किया हुआ है। और इसके लिए मैं ये कटर यूज़ करूँगी, लीफ का कटर आता है इसको कट करने का, वो मैं यूज़ करूँगी। तो अभी मैं क्या आप लोगों को बता देती हूँ कि कैसे फ्लावर हम बना सकते हैं। और ये मैंने मेरे ख्याल से मे बी 60 रुपीज़ का ही ख़रीदा था, और इसके अंदर 2 कप मैंने शुगर ऐड किया था बस, और उससे ही मैं केक डेकोरेट कर रही हूँ। आप देख लीजिए कि कितने अच्छे से केक अपना डेकोरेट बन के रेडी हो जाएगा। ये देखिए मैंने ऐसे पहले ये सारे गोल ऐसे बना लिए, बॉल्स बना लिए मैंने ये फाउंडन के ही। और अब मैं क्या करूँगी, इसके मैं इस तरीके से फ्लावर बना दूँगी। ये देखिए, तो सबसे पहले जैसे ये क्ले के जैसा रहता है, हमें क्ले के जैसे इसको यूज़ करना रहता है, तो हमें क्या करना है, ये मैंने इसको प्रेस किया है पहले, थोड़ा सा पतला करना है, ज़्यादा मत कीजिए, और बस इसको इस तरीके से राउंड कर दीजिए। ये देखिए, और फिर इसके बाद मैं फिर से मैं वही करूँगी, इसको मैं इस तरीके से प्रेस करूँगी और इसको मैं, अरे किधर गया, सॉरी, इसको मैं, अच्छा फाउंडन बहुत स्टिकी होता है, ये देखिए मैंने इसकी इस तरफ लगा दिया। और इसको थोड़ा सा हमें करना क्या है, बस इस तरीके से इसको उठा लेना है, पीछे से प्रेस कर लेना है। आप कभी भी फाउंडन यूज़ करते हो तो आपने पाउडर्ड शुगर या फिर कॉर्नफ्लावर से आप इसको इससे काम कीजिए, क्योंकि ये स्टिकी होता है, तो ये स्टिक हो जाएगा। फिर देखिए अगेन मैंने एक तरफ ये जाड़ा है और दूसरी तरफ पतला है, बस इस तरीके से मैं इसको भी यहाँ पे इसकी आप लिटिल बिट प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, आप ऑटोमेटिकली आपको रियलाइज़ हो जाएगा, जैसे जैसे आप फ्लावर बनाते जाओगे तो धीरे धीरे आपके फ्लावर अच्छे बनते जाएंगे। ये देखिए मैंने फिर से शुगर, पाउडर शुगर लिया है हाथ में, और इसको मैं प्रेस करूँगी, और मैं इस तरीके से बड़े बड़े बनाने हैं हमें, ये फ्लावर मैं थोड़ा बड़ा बना रही हूँ। तो ये देखिए, और आप ये जो रोज़ पेटल्स जो मैं बना रही हूँ वो ऑटोमेटिकली आपको पता चल जाएगा कि कैसे आप, ये देखिए ये एंड हो गया यहाँ पर, तो मैंने यहाँ के एंड से स्टार्ट किया यहाँ पर, अब मैं यहाँ के एंड से इसको इस तरीके से करूँगी। आप बनाने लगोगे तो आपको ऑटोमेटिकली रियलाइज़ हो जाएगा कि कैसे बनाना है, बहुत ही आसान है ये रोज़ पेटल बनाना। ये देखिए, ये देख लीजिए थोड़ा सा प्रेस किया है मैंने, फिर अगेन मैं बस यही करना है हमें, और कुछ भी नहीं है। थोड़ा अगर आपको आपका हाथ स्टिकी लगता है तो देन आपने पाउडर शुगर ले लेना है या फिर कॉर्नफ्लावर ले लेना है। तो बस अभी तो ये इतना स्टिकी नहीं है, तो बस मैं इस तरीके से ऐसे रोज पेटल बना दूंगी। और ये देखिए थोड़ा सा इसको मैं प्रेस कर दूंगी, और इसका रिजल्ट ये होगा, ये देखिए मैंने बनाए हैं यहाँ पर ये फ्लावर, अगर आप देख सकते हो तो ये देखिए फ्लावर बन गया है। कुछ बड़े बनाए हैं मैंने और मैंने कुछ थोड़े छोटे भी बनाए हैं, ये देखिए। अच्छा, बनाने के बाद आपने करना ये है कि आपने इसको फ्रिज में रख देना है 10 to 15 minutes, ताकि ये मेल्ट ना हो। वैसे तो मेल्ट नहीं होता है, लेकिन फिर भी जैसे थोड़ा सा ग्लॉसी टाइप में हो जाता है, थोड़ा सा स्टिकी स्टिकी सा लगता है, तो वो नहीं हो इसीलिए। तो चलिए मैं ये बनाती हूँ एंड देन फिर आपको दिखाती हूँ। मैंने फ्लावर बना दिया है, तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं आप लोगों को आगे का बताती हूँ। तो यहाँ पे देखिए ये फाउंडन ले रही हूँ मैं, अच्छा, और मैं इसमें पाउडर्ड शुगर डस्ट कर रही हूँ। मेरे पास में यहाँ पर सिलिकॉन शीट नहीं है, अगर आपके पास में हो तो आप यूज़ कर सकते हो, या फिर बटर पेपर पे यूज़ कर सकते हो। तो बस इसे अभी मैं एक रोटी की शेप में इसको बना लूँगी,
इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए ये मैंने अच्छे से इसको बड़ा रोटी के जैसा बेल लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इसको हमें करना ये है, इसका वैसे मेथड तो ये है कि इसको ये रोलिंग पिन से हमें इस तरीके से उठाना है आराम से। एंड देन ये जो केक है, ये केक के ऊपर हमें इसके अंदर इसको इस तरीके से डाल देना है इसके ऊपर। ये देखिए अब इसको हमने अच्छे से सरफेस को हमने फ्लैट कर लेना है, अपने हाथों की मदद से कीजिए आप कोई नहीं। और बस ये जो एक्स्ट्रा है, ये जो एजेस जो बचे हुए हैं, एक्स्ट्रा एजेस जो बचे हैं, इसको मैं कट कर दूंगी। ये देखिए अब यहाँ पे देखिए मैं क्या करूँगी, ये जो एक्स्ट्रा है इसको मैं कट कर दूंगी, बस कुछ इस तरीके से इसको मैं कट कर लूंगी। ये देखिए ये ऑटोमेटिकली निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने केक को अच्छे से फाउंडेंट से कवर कर लिया है। अब ये देखिए मेरे पास में ये बचा हुआ है, इसको भी मैं वेस्ट नहीं करूँगी, ये जो एक्स्ट्रा था वो है। तो चलिए अभी इसके बाद में मैं आपको बताती हूँ लीफ की मतलब लीफ कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके ऊपर मैं आइसिंग शुगर, पाउडर्ड शुगर सॉरी, एंड मैं इसके अंदर मैंने मिक्स किया है दोनों भी, कॉर्नफ्लावर और पाउडर्ड शुगर। आप चाहो तो आप आइसिंग शुगर भी ले सकते हो या फिर खाली कॉर्नफ्लावर भी ले सकते हो, और सिर्फ आप पाउडर्ड शुगर भी यूज़ कर सकते हो, बट मैंने दोनों मिक्स किया हुआ है। तो ये देखिए मैं इसको इस तरीके से अच्छे से बेल लूँगी। ये देखिए इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको रोटी की शक्ल में बेल लिया है। अब मैं क्या करूँगी, ये लीफ कटर है, बस कुछ नहीं है इसका काम, बस इस तरीके से इसको प्रेस करना है तो ये ऑटोमेटिकली कट जाएगा। कट के यहाँ पे देखिए इस पीछे से इस तरीके से हम प्रेस करेंगे, ये ऑटोमेटिकली निकल के हाथ में आ जाएगा। यहाँ पे देखिए ये मैंने कुछ लीव्स बना ली थी, और यहाँ पर मैंने छोटे से फ्लावर बना लिए हैं रोज़, और यहाँ पर मैंने बड़े रोज बना लिए हैं, और जो ग्रीन इसका जो ग्रीन बच गया था फाउंडेंट उसका देखो मैंने साइड में ये लेयरिंग कर ली है इस तरीके से, और इसके थोड़े से कुछ बॉल्स हैं। अभी इसके आगे जो वीडियो आएगी वो थोड़ी सी फास्ट भागेगी तो आप देख लीजिए। अच्छा एक और चीज़, वैसे इसको यूज़ जब करते हैं हम तो हमें इसमें पानी लगाना पड़ता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक कप में थोड़ा सा पानी लिया है, आप भी थोड़ा सा ही लीजिए। वैसे इसको पेंट ब्रश से लगाते हैं, बट मेरे पास में पेंट ब्रश नहीं था तो इसीलिए मैं ये ब्रश यूज़ कर रही हूँ। अब मैं इसको सारा डेकोरेट कर, मैंने टोटल डेकोरेट कर लिया है और ये इतनी चीज़ें बच गई है यहाँ पर, और मुझे नहीं लगता है कि मुझे और यूज़ करना चाहिए। वाई बिकॉज इसके अंदर ऑलरेडी बहुत सारा दिख रहा है। सो चलिए अभी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड शेयर माय वीडियो, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। और ये देखिए सिर्फ 60 रुपीज़ के फाउंटेन में इतना अच्छा केक बन गया है। ऑलमोस्ट मुझे ये केक बनाने के लिए 200 रुपीज़ लगे होंगे, और 200 में देखिए कितना अच्छा केक बन गया है। अब बाहर मार्केट में जाओगे तो आपको 500 से कम में ये केक नहीं मिलेगा।